हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट आज एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाकी सारे स्टूडेंट इजी हैं क्वेश्चन, वो ए भी बहुत लेंथी हैं, तो मैं चाहता हूँ बीच बीच से जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है वो आपको करवा दूँ, तो बाकी वाले सारे आप खुद करेंगे, ठीक है ना। जो नहीं होगा आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए थे, बाकी आगे 11 तक भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, तो 12 में आप समझेंगे तो वही एज इट इज़ 11 क्वेश्चन भी उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन कह रहा है, इस देखिए बुक है आपके पास, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, सुन लें आप। स्टोन इज ड्रॉप्ड इन टू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कुलर एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है एक स्टोन है, जो पत्थर है भाई स्टोन, वो गिरता है इंटू अ क्वाइट लेक, किसी एक लेक में, एंड वेव मूव इन अ सर्कल, और वेव जो है ना उस लेक की जो लहरें हैं वो उसको मूव करती हैं इन अ सर्कल में, घुमाती हैं, मतलब उस स्टोन को ऐसे घुमाती हैं इन अ सर्कल में, एट अ स्पीड कितनी, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड में वो मूव होता है। कह रहा है एट द इंस्टेंट वेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव्स इज 10 सेंटीमीटर। कह रहा है जब अगर उस सर्कुलर रेडियस का, जो भी जिस मतलब रेडियस से वो घूम रही हैं, अगर उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, तो कह रहा है हो फास्ट इज़ द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज्ड। कह रहा है वो जो इनक्लोज्ड एरिया है ना, वो कितना फास्ट घूमेगा अगर उसका क्या हो, रेडियस 10 सेंटीमीटर हो। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें गिवन क्या दे रखा था वो चीज़ देखिए। अब आपके पास रेडियस सर्कुलर वेव का रेडियस मान लेते हैं आर है, ठीक है ना। तो आप ऐसे करोगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर वेव, एंड ए और मान लेते हैं उसका इनक्लोज्ड एरिया, उस सर्कल इनक्लोज का मतलब वो पूरी सर्कल बंद है, मतलब ऐसे घूम रहा है ना पूरा ऐसे गोल चक्कर, तो इट मीन्स इनक्लोज्ड एरिया बनेगा, और वो सर्कुलर टाइप है तो इट मीन्स उसका इनक्लोज्ड एरिया को मान लेते हैं ए, आप लिख सकते हो एंड लेट ए बी द इनक्लोज्ड एरिया, ठीक है ना, एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर। तो देयर फोर एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर, तो मैं लिखूंगा देयर फोर ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। आप इससे पहले लिख सकते हो एंड लेट ए बी द एरिया ऑफ इनक्लोज सर्कल, ठीक स्टूडेंट। अब इस एरिया का अगर मैं रेट ऑफ चेंज निकालूं तो क्या आएगा, डी ए बाई डी टी, ठीक है ना। सो डी ए बाई डी टी मतलब पाई आर टू की मतलब 2r, और इन टू आर को जब अलग से करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी आर बाई डी टी, ठीक है ना भाई। इसका चेंज इन एरिया क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो एरिया मतलब कितना इंक्रीज हुआ विद द टाइम t के हिसाब से, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, इस डी ए बाई डी टी का मतलब ये है कि एरिया इंक्रीज हो रहा है विद द टाइम t या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें चेक करना है, ठीक। अब डी ए बाई डी टी ये निकल गया। अब गिवन कंडीशन से वो ये कह रहा है, फ्रॉम द गिवन कंडीशन से वो कह रहा है कि उसका, वो क्या करता है, कह रहा है सर्कुलर स्पीड में घूमता है, लेकिन कितने सेंटीमीटर उसकी स्पीड क्या है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इट मीन्स डी आर बाई जो डी टी है ना, डी आर बाई डी टी जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया रेडियस, मतलब जो फर्स्ट सर्कुलर जो उसका बना है उसके रेडियस का रेट ऑफ चेंज कितना है, 4 सेंटीमीटर, मतलब उसकी स्पीड इतनी है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यही वैल्यू डी आर बाई डी टी के जब इसमें पुट कर देंगे, इसको मान लेंगे फर्स्ट आप, तो इसमें पुट करोगे तो इधर आ जाएगा 4, तो आप इसको फर्स्ट मानेंगे, तो देन फर्स्ट बिकम्स, फर्स्ट क्या हो जाएगी तुम्हारी, फर्स्ट हो जाएगी तुम्हारी डी ए बाई डी टी, ऐसे रहेगा पाई इंटू टू आर इंटू डी आर बाई डी टी की जगह पर क्या आ जाएगा भाई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जो भी है इंटू डी आर बाई डी टी 4 सेंटीमीटर, हाँ जी हाँ ठीक, 4 सेंटीमीटर। अब एरिया है, चूंकि एरिया है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा भाई, हाँ एक चीज़ और भी है ना, कि डी आर बाई डी टी की वैल्यू तो आ गई 4 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी रेडियस, वो कह रहा है ना कि जब रेडियस क्या होगा, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी गिवन है, तो हम लिखेंगे आल्सो डी आर बाई डी टी इक्वल टू दिस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी इन फर्स्ट एंड व्हेन आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और आर की जगह पर क्या रख लेंगे, 10 सेंटीमीटर, मतलब इधर से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को बाद में रखो,
इंटू 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पर सेकंड है तो पर सेकंड लिख लेंगे, ठीक है। ये समझ आया आपको भाई? हमें हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमें उस पूरे का इनक्लोज्ड एरिया निकालना था ना। तो जब कह रहा है इनक्लोज्ड एरिया निकालो जब उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा, तो सबसे पहले इनक्लोज्ड एरिया का निकालने के लिए हमें डी आर बाई डी टी आ गया था, तो डी आर बाई डी टी भी दे रखा था बीच में, तो आर भी दे रखा था, तो वो वैल्यू पुट की, तो आपके पास जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर, हाँ 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो साथ में पाई भी रहेगा, ठीक है ना स्टूडेंट, साथ में पाई भी है इधर, इन्होंने पाई 2 पाई इंटू 10, ठीक है, तो पाई रहेगा, ठीक है। तो देयर फॉर द इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग, के इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज हो रहा है किस रेट पर, एट द रेट ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के केस पर, जब आर तुम्हारा कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, तो उस केस में इतना इंक्रीज होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट, तो इसी तरीके से बी सी डी पार्ट एज इट इज, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 बिल्कुल इसी तरीके से भाई, जब कहीं से आपको परेशानी आती है तो आप लोग मुझे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 19 थोड़ा सा कैसे करना है, तो करने का तरीका वही है, थोड़ा मैं आपको बता दूँ कि 19 क्वेश्चन को किस तरीके से हम ब्रेकअप करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिए एक मिनट कहाँ क्या 19, हाँ जी कह रहा है, क्वेश्चन में 19 का फर्स्ट पार्ट करूँगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो फर्स्ट पार्ट कहता है दी लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। कह रहा है किसी रेक्टेंगल की लेंथ है, ये कोई रेक्टेंगल है भाई, ठीक है, ये रेक्टेंगल दे रखा है, कह रहा है इसकी लेंथ जो है, मान लेते हैं एक्स लेंथ है, ठीक है, वो कह रहा है जो एक्स लेंथ है इसकी रेक्टेंगल की, वो डिक्रीज होती है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, इस रेट से डिक्रीज होती है। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि डी एक्स बाई डी टी जो है वो कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो -3 टाइम आएगा भाई, डिक्रीज हो रहा है ना, तो इट मीन्स डिक्रीज को भी हम ऐसे लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी विद द टाइम के हिसाब से। तो सिमिलरली इंक्रीज को भी हम ऐसे लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, डिक्रीज हो इंक्रीज हो उसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ बना लेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसको, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि अगर रेक्टेंगल की एक्स डिक्रीज होती है इस रेट के हिसाब से, ठीक है ना, एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, और जो विड्थ वाई है और ब्रेथ को कह रहा है वाई, और वो इंक्रीज होती है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, इट मीन्स डी वाई बाई डी टी जो है वो कितनी है, वो भी कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है ना, इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस का 2 आएगा, ये डिक्रीज़ हो रहा था इसलिए माइनस का 3 सेंटीमीटर पर मिनट रहेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। ये फ़र्क याद रखना इंक्रीज और डिक्रीज का। अब कह रहा है कि वैन एक्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड वाई इक्वल टू 4, कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड कीजिए किसका, हाँ व्हेन एक्स इक्वल टू 10 वो लिख लिया, एंड वाई इक्वल टू दिस, व्हेन एक्स इक्वल टू 8 नहीं सॉरी व्हेन एक्स इक्वल टू 10, ये दूसरा पार्ट बोल दिया था मैंने, व्हेन एक्स इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 6, कह रहा है जब एक्स 10 होगा वाई तुम्हारा 6 होगा, तो उस केस में क्या निकालो इसका, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, कि उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना चेंज हुआ और उस रेक्टेंगल का एरिया कितना चेंज हुआ, वो हमने फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि गिवन क्या दे रखा है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लिखेंगे ए पार्ट का सोल्यूशन, कि हमें गिवन है कि लेंथ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग है और विड्थ वाई जो है वो इंक्रीजिंग है। तो आप लिख लेंगे since the length x is decreasing, ठीक है स्टूडेंट, लेंथ एक्स जो है वो डिक्रीज हो रही है, एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग, तो देयरफॉर अगर लेंथ एक्स डिक्रीज हो रही है तो इट मीन्स डी एक्स बाई डी टी कितना डिक्रीज हो रही है, वो -3 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज होती है, इट मीन्स डिक्रीज है तो -3, एंड डी वाई बाई डी टी जो है वो इंक्रीज होती है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है ना स्टूडेंट। ये था, ये कंडीशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ये गिवन दे रखा था, इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब
हमें पार्ट नंबर जो पहले पार्ट का ए पार्ट है वो क्या है, पेरीमीटर चेंज, वो कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर बताओ। तो देयर फोर पेरीमीटर को मान लेते हैं हम क्या है, पी है। तो ए पार्ट हम लिखेंगे द पेरीमीटर, द पेरीमीटर पी ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन बाय, भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, टू टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना, टू टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम लिखेंगे वी गेट पी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। लेंथ की जगह पर एक्स, ब्रेथ की जगह पर वाई। अब देखिए, तो देयर फोर जब हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो इट मीन्स इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी पी बाई डी टी इक्वल टू टू इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों का फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो इसीलिए मैंने ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑलरेडी ये गिवन दे रखा था, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी थी आपको, ताकि आपको बाद में यूज करते समय परेशानी ना हो। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि हमें पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है, तो पेरीमीटर का रेट चेंज ही हो गया ना डी पी बाई डी टी। अब देखिए इसी इक्वल के नीचे इक्वल, देखिए टू का टू, अब डी एक्स बाई डी टी कितना था, माइनस थ्री फर्स्ट इक्वेशन से, प्लस डी वाई बाई डी टी कितना था, टू, ठीक है स्टूडेंट, यही था। अब देखिए माइनस थ्री और टू कितने होते हैं, माइनस वन, तो माइनस वन इंटू टू माइनस टू सेंटीमीटर पर मिनट। तो इट मीन्स कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर कितना निकल गया, अगर उसका रेट मतलब एक्स लेंथ अगर डिक्रीज होती है इस रेट से, ब्रेथ इंक्रीज होती है इस रेट से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर उसका निकल जाएगा माइनस टू सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सिमिलरली इसका बी पार्ट कहता है एरिया फाइंड कीजिए, तो बी पार्ट कह रहा है एरिया फाइंड कीजिए, लेकिन एरिया का रेट ऑफ चेंज मतलब एरिया कितना होगा, वो कितना चेंज होगा, वो कैसे चेंज होगा, वो निकालना है। तो देखिए उसी तरीके से आप देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हो द एरिया ए ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय, तो हो जाएगा ए, एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितना है एक्स मल्टीप्लाई ब्रेथ वाई। तो अब रेट ऑफ चेंज निकालना है तो डी ए बाई डी टी, तो सिमिलरली इधर भी डी एक्स बाई डी टी, ठीक है ना स्टूडेंट। लेकिन इधर क्या है एक्स इंटू वाई, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा ना भाई, डिफ्रेंसिएशन आती है ना, डिफ्रेंसिएशन में यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। आप इनकी वैल्यू पुट कीजिए आपके पास, तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या निकल जाएगा, जो भी निकलेगा वो आप इधर कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए ये चीज़ आए ना, अब यहाँ पर डी ए बाई डी टी तो एज इट इज रहेगा, एक्स की जगह पर क्या आपने पुट करना है टेन, क्योंकि एक्स क्या है तुम्हारी लेंथ, तो लेंथ उसने दे रखी है गिवन कि लेंथ एक्स कितना है टेन और ब्रेथ वाई कितना है सिक्स, तो एक्स की जगह पर टेन, वाई की जगह पर सिक्स और इसकी जगह पर टू, इसकी जगह पर माइनस थ्री, क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट से है, तो जब उनको मल्टीप्लाई करना फिर आपके पास आ जाएगा आंसर। तो आप यहाँ से एक्स और वाई को परेशान नहीं होना, ये एक्स लेंथ है, ये वाई ब्रेथ है और ये भी गिवन है, एक्स टेन है, वाई कितना है सिक्स है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से ऐसे वाले क्वेश्चन को किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर, बाकी सारे पार्ट क्वेश्चन नंबर 19 के इसी तरीके से हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखिए 20, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग समझ जाएंगे, पहले क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन ये कह रहा है दी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ये बना ली इक्विलेटरल ट्रायंगल, कह रहा है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो इंक्रीज होती है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स अगर साइड इसकी एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, और तीनों की तीनों साइड सेम है, तो इट मीन्स एक साइड का अगर इंक्रीज बोल रहा है तो इट मीन्स तीनों साइड भी उसी रेट से इंक्रीज हो रही है। तो वो ये कह रहा है कि जो इक्विलेटर की साइड हैं वो इंक्रीज होती हैं एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द एरिया इंक्रीज। तो आपने अगर उसकी साइड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज होती है तो उसका एरिया बताओ फिर उस ट्राइंगल का, कि वो
वो किस हिसाब से चेंज होता है, उसका रेट ऑफ चेंज बताओ, ठीक है ना। वो कह रहा है व्हेन द साइड ए इक्वल टू, व्हेन द साइड 10 सेंटीमीटर, ए पार्ट में दो पार्ट दे रखे हैं ए और बी, कह रहा है जब साइड 10 सेंटीमीटर होगी तब उसका एरिया कितना चेंज होगा, और बी पार्ट कह रहा है कि जब साइड 20 सेंटीमीटर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी तब एरिया कितना होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक चीज़ गिवन आ गई, क्या कह रहा है, जो उसकी साइड है, सपोज एक्स मैंने साइड मानी, जो साइड है वो इंक्रीज होती है कितना, 2 सेंटीमीटर, मतलब एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि डी एक्स बाई डी टी जो है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब साइड का रेट ऑफ चेंज कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना सर। ये चीज़, इस चीज़ का मतलब ये है, याद रख लो। अब इसका प्रूफ देखिए, मान लेते हैं वही मैंने कहा जो कि सॉरी ट्राइंगल मैंने साफ कर दी, इसका नाम रख लेते हैं सपोज ए बी सी। अब ट्राइंगल का एरिया जब भी निकालते हैं तो वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हाइट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे फ्रॉम ए टू, कुछ भी नाम रख लेते हैं एम, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे 90 डिग्री का, तो तभी जाके हम इसका एरिया निकाल पाएंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब प्रूफ कैसे करना है, सोल्यूशन क्या है, आप लिखेंगे लेट एक्स बी द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, मान लेते हैं एक्स इसकी साइड है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम ए, कि ए से ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए एम, ए एम ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एम, जो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम ए के पॉइंट ए से हमने एक ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ की, कौन सी, ए एम, जो किसके परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है। सो दैट इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए एम परपेंडिकुलर है बी सी के, इसका मतलब ये हुआ सो दैट जो क्या है तुम्हारा बी एम जो है वो किसके बराबर है भाई। अब यहाँ से देखिए, ये पूरी साइड कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी साइड कितनी है, एक्स, तो बी से एम तक कितनी होगी, एक्स बाई टू, और ये भी कितनी होगी, एक्स बाई टू। इट मीन्स मैं वही लिखने जा रहा हूँ कि सो दैट बी एम इक्वल टू एक्स बाई टू, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि जब परपेंडिकुलर ड्रा हुआ मिड पॉइंट में, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो जो साइड थी वो हाफ ऑफ होगी, मतलब पूरी साइड एक्स थी, और जब आधी आधी निकाली तो एक्स बाई टू होगी। तो आपने ये चीज़ लिखनी है कि फ्रॉम ए ड्रा ए एम जो परपेंडिकुलर है बी सी के, सो दैट बी एम कितना है, एक्स अपॉन टू के बराबर, ठीक है, ये एक्स अपॉन टू की जरूरत पड़ेगी, याद रखें, ठीक है स्टूडेंट। अब मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो देयरफॉर हमने एरिया निकालना ना, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू, तो देखिए ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है तुम्हारा बी सी, और इंटू हाइट क्या है तुम्हारी ए एम, ठीक है स्टूडेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया यही निकलेगा ना, बेस इंटू हाइट, बेस है बी सी और हाइट है तुम्हारी ए एम, 1/2, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इक्वल टू 1/2 बी सी, बी सी कितना है तुम्हारा एक्स भाई, बी सी कितना है एक्स, इंटू इंटू ए एम, ए एम है ये वाला, तो ये क्या है, राइट ट्राइंगल है। तो मैंने आपको बोला हुआ है जब भी राइट ट्राइंगल का जिक्र आ जाए तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस का स्केयर इक्वल टू, सॉरी हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, ये कहती है भाई पाइथागोरस थ्योरम, ये कहती है तुम्हें। तो हमने क्या निकालना, पी स्केयर, मतलब ये परपेंडिकुलर निकालना, पी निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा, ए बी, और ए बी क्या है एक्स भाई, सारू साइड एक्स है ना, तो एच का स्केयर मतलब एक्स का स्केयर इक्वल टू, बेस कितना है भाई, बेस है बी एम, इस ट्राइंगल के लिए राइट ट्राइंगल कौन सा देख रहा हूँ मैं, ए बी एम, तो इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या है तुम्हारा बी एम, और बी एम की जगह पर मैं ऐसे नहीं लिख सकता एक्स अपॉन टू का स्क्वायर, प्लस पी स्क्वायर निकालना है तो पी स्क्वायर को इधर रहने दो, अब ये प्लस एक्स बाई टू पीछे आ जाएगा, तो कैसे मैं नहीं लिख सकता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू का स्क्वायर, लिख सकता हूँ ऐसे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू का स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना भाई। अब इक्वल टू पी स्क्वायर, अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ पी चाहिए, मतलब सिर्फ ए एम चाहिए, नॉट ए एम का स्केयर नहीं चाहिए, सिर्फ ए एम चाहिए, तो ये स्केयर कटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, ठीक है भाई, ये टेंथ में आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, तो इधर स्केयर रूट आ जाएगा। इट मीन्स पी मतलब ए एम, इट मीन्स ए एम की जगह पर मैं लिख सकता हूँ स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस एक्स अपॉन टू का
होल स्केयर लिख सकता हूँ ना, तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ। इट मीन्स बी सी की जगह पर आ गया एक्स और ए एम की जगह पर आ गया स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन फोर, मतलब एक्स अपॉन टू का स्केयर मतलब यही हुआ ना, एक्स स्केयर अपॉन फोर स्केयर अलग कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ आया, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आप इसके आगे बिकॉज करके लिख सकते हो कि बाई यूजिंग राइट पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल ए एम बी और वी गेट क्या मिलता है हमें, ये मिलता है ए एम की वैल्यू ये मिलती है, तो आप निकाल सकते हो जैसे मैंने अभी निकाली, ठीक है ना। बिकॉज करके आप ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक। तो देखिए 1/2 x की जगह पर x की इंटू, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा अंदर 4 × x² − x² 4x में से एक x निकला तो 3x² / 4 का 4, तो इसका स्केयर रूट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 1/2 x मल्टीप्लाई, जब स्केयर रूट अलग अलग करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3x² / नीचे 4 का स्केयर रूट क्या होता है 2, ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली यहाँ से देखिए √3/4, यहाँ से मैं ऐसे ये 3 × x² है, इसका मतलब ये है कि स्केयर रूट 3 का भी है और x स्केयर का भी है, तो 3 का स्केयर रूट भी है और इसका भी है, तो इसका स्केयर रूट है तो स्केयर रूट कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास बचेगा 1/2 x × √3/2 × x, ये चीज़ आ जाएगी भाई। ये स्केयर रूट दोनों का है ना, इसका स्केयर रूट तो ऐसे ही रहेगा लेकिन इसका स्केयर रूट एक्स स्केयर का स्केयर रूट एक्स बच जाएगा। अब यहाँ से देखिए x × x² वापस से हो गया और 1/2 × 2 2 2 = 4, तो इट मीन्स यहाँ से आपके पास आ गया क्या स्टूडेंट, इसके आगे आया 1/2 2 = 4 साथ में √3, या आप ऐसे भी लिख सकते हो √3/4 x × x² ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ गई। अब √3/4 x² आ गया, अब ये निकल गया एरिया, हमने क्या निकालना था रेट एट विच द एरिया इंक्रीज, कि वो रेट निकालना जिस तरीके के मतलब एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज निकालना इसका। तो इट मीन्स मैंने मान लेते हैं कि एरिया उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को मैंने ए से डिनोट कर दिया था, ठीक है ना, उसके एरिया को ए से डिनोट कर दिया था, देयरफॉर डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना तो √3/4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टी तो आएगा 2x × dx/dt। अब √3/4 × 2x और dx/dt गिवन दे रखा था, मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ जो इसका ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो इंक्रीज होती है एट द रेट ऑफ 2 cm, तो इट मीन्स उसका मतलब था dx/dt, तो वो dx/dt इधर आ गया ना, तो dx/dt की जगह पर क्या लिख देंगे कि वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा था 2 के रेट से × 2 आ जाएगा × 2। अब जब इसको करेंगे 2 × 2 2 × 2 = 4, 2 और 2 कैंसिल, तो आपके पास बच गया क्या, आपके पास बच गया x√3 या √3x। अब फर्स्ट पार्ट कहता है कि जब x की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, तो तब क्या होगा, जब x की वैल्यू 10 होगी तो क्या हो जाएगा भाई, x की जगह पर 10√3, तो आप लिखोगे when x equal to 10, a part when x equal to 10, then dA by dt जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, मतलब required rate of increase किसके बराबर हो जाएगा 10√3 cm का square, मतलब x की जगह पर 10 रखा × √3। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट। सिमिलरली बी पार्ट आप डाल के देखते हैं, when r equal to when x equal to 20, जब x की 10 रखा तो ये है, जब x 20 रखेंगे तो 20√3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इट मीन्स हमें dx/dt गिवन दे रखा था, ये आपको माइंड में रखना है, और इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ी, जब हमें एरिया का रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज निकालेंगे, ठीक है ना। उसने बोला ना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, कि एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, तो वो इंक्रीज होगा तो उसकी उस जब एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो उसमें आता है dx/dt, और dx/dt वो ऑलरेडी दे रखा था उसने x dx/dt का मतलब ये हुआ कि वो जो साइड x है ना वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 2 cm, तो 2 रखा उसकी वैल्यू और कैंसिल किया तो आपके पास आ गया √3x। और ए पार्ट कह रहा है कि जब x की वैल्यू 10 होगी तो तब क्या होगा, तो x की जगह पर 10 रखा तो तब दोबारा रिक्वायर्ड एरिया निकल गया 10√3 cm². और सिमिलरली बी पार्ट है, जब x की वैल्यू 20 रखोगे तो हमारा एरिया आ जाएगा 20√3 cm² per second। तो ओके स्टूडेंट, आई होप आपको इतना समझ आया होगा।
अब बाकी वाले क्वेश्चन जितने भी हैं एक्सरसाइज के भाई ट्राई करना, तो मैं देखूंगा अगर कोई और इसमें डिफ़िकल्ट हुआ 20 के आगे तो वो भी करवा दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ना हुआ तो अब फिर इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।